रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है। क्या बोला तूने? कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से। राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में दो दो तीन तीन राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में रैली करते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिससे जनता उन्हें अब ट्रोल कर रही है। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में गौर करें तो उन्होंने अपने स्पीच में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे वो रामनवमी हो, परशुराम जयंती हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें ना आती हों। वीडियो में गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने यही नहीं बल्कि त्योहारों को त्योहार भी बोल दिया है। हालांकि यह एक क्लिप आप तंग हो सकता है, लेकिन जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी की यह स्पीच इसलिए भी ज्यादा वायरल हो रही है कि मोदी जी ने ना तो शिक्षा पे बात की है, ना बेरोजगारी पे बात की है, और ना ही गरीबी पे बात की है, और ना ही महंगाई पे बात की है। उन्होंने केवल और केवल बात की है तो धार्मिक त्योहारों पर होने वाले उन्माद के बारे में। न्यूज 24 ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें ना आती हों। जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को देखते हुए नॉट इन माइंड नाम की योजना ने लिखा कि कोई योजना नहीं बताएंगे जनता के काम की, न पिछले 10 की कोई उपलब्धि बताएंगे, न क्या देंगे वो बताएंगे, जनता को क्या मिलेगा कुछ नहीं बोलेंगे, बस ध्रुवीकरण करके वोट मांगेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। डेविड नाम की योजना ने लिखा कि फिर से हिंदू मुस्लिम पे ही वोट मांगना है जनाब को। पंकज नाम की योजना ने लिखा कि और आपका पहला और अंतिम हथियार ही है सांप्रदायिक राजनीति, कर्नाटका में हनुमान जी का कितना गंदा इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारत की आवाज नाम की योजना ने लिखा कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ है क्योंकि झूठ फरेब धर्म की राजनीति साथ नहीं दे पा रही है। हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान वाला फंडा भी लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाबी नहीं हो रही है। एक ओझा ने लिखा कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई, महिला सुरक्षा, अडानी, मणिपुर, पहलवान, सब पर अब्बा जब्बा डब्बा, परंतु बकवास जितना मर्जी करवा लो। एक ओझा ने लिखा कि अरे अरे धर्म का झूठा सहारा लेना पड़ा है प्रधान जी को, ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है प्रधान जी पे। दूसरे उजर ने कहा कि क्या कोई प्रधानमंत्री इतनी घटिया स्तर की भाषा का प्रयोग करता है, बड़ा ही शर्मनाक बयान है। अजीत नाम के उजर ने लिखा कि आप देश के पहले प्रधान सेवक हैं तो अपने ही देश के राज्य और जनता के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं, धन्य है। यासिर खान जी लिखते हैं ये देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव जीतने के लिए बंगाल के महिला मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी और मुसलमानों के बारे में कपड़े से पहचानने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे उजर ने कहा कि फिर लोग कहते हैं कि आपको दिक्कत क्या है मोदी जी से, भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री इस हद तक जा सकता है कि देश की गरिमा, अस्मिता और संस्कार कभी ऐसे ना थे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।